हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन बेटा नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। अपन ने नागरिक शास्त्र में इसके पहले पढ़ा था चुनावी राजनीति। अभी बेटा अध्याय 4 आपका ये संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाओं में जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकार होती है, इन सब के लिए संस्था होती है, उसमें कैसे कार्य होते हैं उसके बारे में इस पाठ में आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की कुछ मतलब कानून होते हैं जो अपन को क्या होता है, मानना होता है। संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर कार्य करना होता है। तो आज पर संस्थाओं की काम का बेटा, इसके बारे में अपन थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी मैं। तो जो सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण मिलता है, तो वह मतलब जो अपन जो सरकारी नौकरियों में कामकाज होते हैं, तो सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण कैसा होता है, मतलब कितने फीसदी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा उसमें 21%, 27%, 30% और 35% जो होता है। तो कितना आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरी और सामाजिक, उसमें तो बेटा 27% आपको नौकरियों में क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, मतलब जो राष्ट्रपति पद है उसकी न्यूनतम आयु, तो फर्स्ट ऑप्शन है 45 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 40 वर्ष और चौथा है 21 वर्ष। तो जो राष्ट्रपति है उसकी मतलब जो न्यूनतम आयु है कितनी होती है उम्मीदवार के लिए, मतलब 35 वर्ष होती है। फिर वित्तीय विधेयक का निर्णय करता है, जो वित्तीय विधेयक होता है उसका निर्णय कौन करता है, तो वित्तीय मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। तो जो मैंने आपको कल ही बताया था, जो वित्तीय बजट बजट पेश करते हैं अपन, अभी अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा था कि वित्तीय विधेयक मतलब जो बजट होता है वो कौन पास करता है, तो उसके लिए वित्त मंत्री। तो वित्त विधेयक का जो निर्णय होता है वह कौन लेता है, इसके लिए ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इसके लिए राष्ट्रपति हैं जो क्या करते हैं, अपना क्या लेते हैं, उसका निर्णय मतलब जो बजट होता है उसको निर्णय लेने में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, मतलब जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितने वर्ष, 30 वर्ष। किस राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है, मतलब किसी राज्य का राज्यपाल है जो उसका अनिवार्य, मतलब किस संसद का, विधानसभा का, न्यायपालिका का या राज्यसभा का। तो वह क्या होता है, विधानसभा का क्या होता है, किस राज्य का राज्यपाल जिसका अनिवार्य रहता है वह विधानसभा का। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है, तो जो विधानसभा होती है उसका अनिवार्य अंग कौन होता है, राज्यपाल। किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन है बेटा कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो उसका जो है जो नियुक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं।
ये छोटे छोटे प्रश्न हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर के प्रश्न। फिर है बेटा, राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्य हैं उनको नामिनेट, मतलब जो टिकट वगैरह या उनका नाम नामिनेशन या उनको जो तो नामजद करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है बेटा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति। फिर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मतलब राज्यसभा के सदस्य संख्या 300, फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकेंड ऑप्शन है 275, थर्ड है 300, 250 और फोर्थ है 350। तो ऐसे बेटा जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250, कितनी होती है? 250। आप 1 नंबर के प्रश्नों को अच्छे से देखोगे बेटा। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको रोजी में हम लोग बताते हैं, सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि इस बार 30 नंबर के आपको 1 नंबर दो के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले है लोकसभा के, एक वाक्य में उत्तर देंगे बेटा, इसका एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो लोकसभा है उसके सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो उसके उनके सदस्यों की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। 25 वर्ष ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर उसके बाद है भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण, मतलब जो भारत के मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक कौन है? तो उसका संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो गया बेटा सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय। फिर राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो उसके उसके लिए भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो मतलब राज्यपाल के पद की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसको उनको शपथ दिलाते हैं। फिर है चौथा, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको बताऊं, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये एक वाक्य में उत्तर दो, इसके आपके आंसर है। पहला है लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो है सदस्यों, मतलब जो सदस्यता के लिए जो लोकसभा में सदस्यता बन लेना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। और भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय। फिर तीसरा है राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राज्यपाल को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। फिर राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उसके लिए आयु होती है 30 वर्ष की आयु जो होती है वो निश्चित होती है। फिर है सरकार की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल मतलब मुख्य, मतलब राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो जो राज्य
की कार्यपालिका, तो जो अपना राज्य होता है उसकी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? उसका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो अपने देश के प्रधान है वो कौन, अपने सॉरी अपने राज्य के प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री है। उसके बाद है बेटा, सरकार का मुख्य कौन होता है? जो सरकार होती है उसका मुख्य कौन होता है? जो अपनी केंद्रीय सरकार है उसके मुख्य कौन है? उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो जो अपनी सरकार है उसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। अपर हाउस किसे कहा जाता है? अपर हाउस जो होता है उसे, अपर हाउस किसे कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को। किसे कहते हैं? राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं। आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा को अपन क्या कहते हैं? अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य आमतौर पर किसका होता है? जब हम सरकार के बारे में कोई बात करते हैं तो उसका तात्पर्य आमतौर पर किसका होता है? तो वह होता है कार्यपालिका का। तब सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो उसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यकर्ता। एक बेटा एक वाक्य में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। ये एक एक नंबर के प्रश्न है बेटा, और उनके आपको मैंने आंसर्स भी लिख के बताए हैं, आप उनको अच्छे से देखोगे बेटा। फिर है अति लघुमती, ये दो नंबर के प्रश्न है बेटा परीक्षा की दृष्टि से। तो राजनीतिक संस्था के से क्या अर्थ है? जो तो राजनीतिक संस्था है उससे देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आधार पर नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह राजनीतिक संस्था कहा जाता है। तो राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं सरकार, वह राजनीतिक संस्था, उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्था कहा जाता है। तो राजनीतिक संस्था किसे कहते हैं? उसमें राजनीतिक जीवन के आचार की नियमित करने वाली प्रक्रियाओं को, समूह को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। फिर गठबंधन सरकार, मतलब साझा सरकार किसे कहते हैं? जो सरकार गठबंधन से बनती है, मतलब गठबंधन सरकार, किसी एक दल का बहुमत ना आने पर, जब दो या दो से अधिक मिलकर, मतलब किसी एक दल का पूरा पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो दो से दो अधिक दल मिलकर अगर कोई सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझा सरकार कहा जाता है, और इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। फिर है कार्यपालिका से क्या आशय है? तो कार्यपालिका से आशय व्यक्ति ऐसे निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने के फैसले लेते हैं और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, वह कहलाते हैं कार्यपालिका। मतलब कार्यवाहक, किसी भी कार्य को, मतलब व्यक्ति ऐसे निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने और फैसले लेने और लागू करने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहा जाता है। उसके बाद में बेटा न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानून और विवादों से निपटने का मतलब अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों में एक साथ न्यायपालिका के नाम से उसे क्या जाता है? पुकारा जाता है। मतलब एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार प्राप्त हो, और देश में अदालतों में एक साथ उसे क्या कहा जाता है? एक ही नाम से पुकारा जाता है, वह होती है न्यायपालिका। जहां पर आपको क्या मिलता है? न्याय प्राप्त होता है। फिर है केंद्रीय मंत्री परिषद के किन किन स्तर पर मंत्री होते हैं?
छोटे छोटे आपके प्रश्न है कि दो नंबर के प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री परिषद के तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तो पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री, उसे राज्य मंत्री भी कहते हैं, और तीसरा है राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं उसे राज्य मंत्री कहते हैं, और एक होता है राज्य मंत्री। तो मतलब आपको बताऊं केंद्रीय परिषद को किन स्तर के तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्वतंत्र, और फिर सरकार से क्या अर्थ है बताइए, सरकार का क्या अर्थ होता है। संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून और उनकी व्याख्या करने के लिए अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधन को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है, उसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश को व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून और लागू करने के लिए उनकी व्याख्या करने का अधिकार। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित करना और उनकी निगरानी करती है, सरकार कहते हैं। फिर है आपका आरक्षण का क्या अर्थ होता है। आरक्षण मतलब आपको बताऊं आरक्षण का क्या अर्थ होता है, स्पष्ट कीजिए। तो भेदभाव के शिकार वंचित पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्था में पद एवं सीटों को क्या किया जाता है, आरक्षित करने की नीति है, उसे क्या कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। फिर है कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। कार्यालय ज्ञापन से आशय होता है सक्षम अधिकारी द्वारा इसमें सरकार के फैसले नीति के बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। उसके बाद है राजनीतिक संस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है। ये लघु उत्तरी प्रश्न है बेटा, ये आपके तीन नंबर मानते चलिए। तो राजनीतिक संस्था क्या होता है, राजनीतिक संस्था नियम और कानून बताती है। ये संस्थाएं किसी निर्णय के लिए लोगों को परामर्श करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। निर्णय लागू होने पर कोई निर्णय लागू हो जाता है, विवाद कोई विवाद पैदा होता है तो कुछ संस्थाएं सही और कुछ गलत इसका भी निर्णय करती है। और इसके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट संस्थाएं महत्वपूर्ण नीति और फैसले करती हैं। जो राजनीतिक संस्थाओं के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट, फिर मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले लागू करने के उपाय, नौकरी नौकरशाह सर्वोच्च न्यायालय में संस्था है, नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंतर क्या हो जाते हैं, सुलझ जाते। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं। बच्चों प्रधानमंत्री के सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का गठन करना होता है। तो प्रधानमंत्री है उनके मुख्य कार्य बताइए, अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो आपको बताना है। तो मंत्री परिषद का गठन करते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करते हैं, मंत्री परिषद बैठकों की क्या करते हैं, उनका अध्यक्षता करना होता है उनका काम। फिर मंत्रियों के विभाग तथा कार्यों की देखभाल करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करते हैं। फिर छठवां है विदेश के साथ संबंधों की स्थापना करना। विदेश मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका काम होता है विदेशी संबंध संधियां और समझौता करना। प्रधानमंत्री का क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग भी प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री के पद का महत्व लिखिए। तो प्रधानमंत्री हैं जो उनके पद का क्या महत्व है। प्रधानमंत्री द्वारा पद का विशेष महत्व होता है, प्रशासनिक व्यवस्था का आधार होता है, मंत्रिमंडल के वो अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता होते हैं, लोकसभा का नेता होते हैं वो, और राष्ट्र
की प्रशासनिक आर्थिक। देखिए बेटे प्रधानमंत्री के पद के महत्व, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, विदेश में प्रधानमंत्री शासन संबंधी नीतियों का प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य उनके पद पर विशेष महत्व होता है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो विशेष महत्व का होता है। प्रशासनिक व्यवस्था का आधार, मंत्रिमंडल के वो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता होते हैं, लोकसभा का नेता और राष्ट्र की प्रशासनिक आर्थिक नीतियों का निर्माण, शासन के विभिन्न विभागों को समन्वय स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्र का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के पद का क्या हो गया, महत्व हो गया। फिर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच आपसी संबंध पर चर्चा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठकों की कौन करता है, अध्यक्षता करता है कौन, प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यविधियों का उन पर क्या होता है, उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वितरण और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की भी विभागीय परिवर्तन कर सकते हैं और उनके त्याग पत्र की भी मांग कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री अच्छे से कार्य नहीं करेगा या उसमें कोई दोष दिखेगा तो प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह उससे त्याग पत्र भी मांग सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस तरह होता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका गठन कौन करता है। लोकसभा के बहुमत बल पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेताओं को भी प्रधानमंत्री चुने, मतलब जो लोकसभा से बहुमत से बहुत प्रचंड बहुमत से जो प्राप्त मतलब उनको प्राप्त होता है तो उनको क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्रियों के चुनाव से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श बनाने के लिए बाध्य हैं, पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनके चुनाव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श बन। फिर संविधान में एक निश्चित किया गया है कि मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री निश्चित करते हैं और मंत्री को प्राय एक या एक से अधिक विभाग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब किसी भी मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिर विधायिका क्या होती है, जनप्रतिनिधियों के सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्तीय विधियों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, उसे विधायिका कहा जाता है। तो बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से आपके एक नंबर और दो नंबर के और तीन नंबर के प्रश्नों को आज मैंने बताया, ऐसा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप परीक्षा को ध्यान में रख के प्रश्नों को पढ़ें, याद करें। धन्यवाद बच्चों।